आज सुबह मैंने अखबार जब पढ़े, मैंने देखा कि कल पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी। ये डिफेंस कमेटी हर मिनिस्ट्री के साथ एक डिफेंस पार्लियामेंट की कमेटी होती है, एमपीज उनके मेंबर होती है, रूलिंग पार्टी का आदमी उनका चेयरमैन होता है, ये चला आता है। जब मैं दो बार पार्लियामेंट में रहा हूँ, पहली बार मेरी डिफेंस कमेटी के चेयरमैन श्रीमती इंदिरा गांधी जी से, वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे और वो हमें जब भी हम कोई बात उठाते थे सारे सबको बात करने देते थे और सुनते थे। और यही था जो पिछली बार में था, उस साहब जनरल खंडूरी साहब थे हमारे चेयरमैन कमेटी के और कभी नहीं हमने रोका, जो हम दिल की बात करना चाहते थे हम करते थे वहाँ। ये जो कल हुआ है, ये तो एक परंपरा जो पार्लियामेंट की है उसको बिल्कुल ख़त्म करने की आप बात कर रहे हैं। देखो, पार्लियामेंट बनाता है पॉलिसी और पॉलिसीज हैं जो बड़ी बातें हैं। उस इस कमेटी में आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, आपके चीफ थे जो यहाँ हैं, कुछ तो चीफ हमारे शायद बाहर गए हुए हैं, पर जो भी चीफ थे, नहीं तो उनके वाइस चीफ थे, सीनियर पीएसएस थे हमारे डिफेंस आर्मी के और आर्मी हेडक्वार्टर्स वगैरह के। ये एक बहुत बड़े पैमाने की एक डिस्कशन चलनी थी। किस बात पे चलती है? जो राहुल जी ने कोशिश की उठाने की, क्या था वो, कि जो चाइना का भी पॉलिसी है उनकी क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, जो हमारे जवान आज लद्दाख की ठंडी पहाड़ियों में बैठे हैं उनका खाना क्या है, उनके कपड़े कैसे हैं, उनका रहने सहने की जो बातें हैं, हथियार जो हैं, हथियार हमारे और एम्यूनिशन वगैरह, जो डिफेंस को जो पॉलिसी बनाती है पार्लियामेंट उसके बारे में बात की। यहाँ बात कर रहे थे कि बटन क्या होंगे, बैजेस ऑफ रैंक क्या होंगे, वर्दियाँ क्या होंगी, ये क्या माहौल बना रखा है इसका? वो क्या डिफेंस एमपीज का काम है? ये आर्मी हेडक्वार्टर का काम है, एयर हेडक्वार्टर का काम है, नेवल हेडक्वार्टर का काम है, वो अपनी बातें देखें। और एक एमपी और है, पता नहीं उसको कभी एनसीसी में रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, ये भी नहीं मुझे मालूम, और वो कहता है कि तीनों सर्विसेज की वर्दी एक ही बना दो। कभी ऐसे लोग जो आते हैं इस कमेटी में, थोड़ा सा तो पढ़ के आए, उनको होना चाहिए कि क्या हमारी इथॉस है फौज की, एयरफोर्स की, नेवी की, क्या हमारा इतिहास है, क्या हम हमारी फौजें कहाँ लड़े हैं, थोड़ा हिस्ट्री तो समझो कि कहाँ ये देखो विक्ट्री, ये देखें, ये सब सिंगापुर जापान की लड़ाई है। और ये जो बातें हैं, आते हैं और समझते हैं कि हम जो मर्जी है वहाँ कह के चले जाएं। मुल्क का सोचो, हमारी फौजों का सोचो, हमारी डिफेंस सर्विसेज का सोचो, वो बेचारे वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, कोई दिन निकलता है जब कोई हमारा जवान शहीद नहीं होता कश्मीर की पहाड़ी में? उनके बारे में सोचो, उनका नहीं सोचना आपने, आप सोच रहे हैं कि वर्दी बंद कर दो। हर रेजिमेंट की इंसिग्निया होती है, हर रेजिमेंट की हिस्ट्री है। ये मेरी रेजिमेंट देखो, मेरी 1846 की बनी हुई रेजिमेंट है, 22 हमने बैटल ऑनर्स हमने लिए हुए हैं उसके, इनको भूल जाए हम? क्या किस्म की आप, मुझे समझ नहीं आती कि आप ये लोग हैं जो पॉलिटिशन इसमें बैठे हैं, जिनको कोई हिस्ट्री का थोड़ा सा भी नहीं पता और डिफेंस सर्विस का कुछ नहीं पता। राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा और मैं आपको कहता हूँ कि आज के दिन जो ये बात सुनेंगे, राहुल जी की स्पीच भी सुनेंगे, उनका उनके बारे में भी सुनेंगे और मेरे मैं जो बात कर रहा हूँ सुनेंगे, सब फौजी जो रहे हैं, एयरमैन रहे हैं या नेवल, हमारे नेवल ऑफिसर्स रहे हैं, जवान रहे हैं, सबको जो मैं बात कर रहा हूँ उसको अच्छी लगेगी और उनको पसंद आएगी कि ये बात सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? वर्दी पॉलिश करनी हुई है, उसमें कौन से किस्म का ब्रासो लगाना है, यह है कोई पार्लियामेंट का काम? तो ये बातें छोड़ो, आज देश में संकट में आया हुआ है। आज चीन की हमारे पास हमारे पे निगाह है, पाकिस्तान की हमारे पे निगाह है, दोनों दोस्त बने हुए हैं इस टाइम, और आप उनकी बड़ी बातों सोचने के बजाय, हथियार के बजाय, जो बाकी चीज़ें फौज को चाहिए, नेवी को चाहिए, एयरफोर्स को चाहिए, उनके बजाय आप छोटी छोटी बातों पर आ जाते हैं। और फिर जो उठाना चाहता है, तो इसका हर मेंबर का हक है कि उठा के अपनी बात करें, उसको बोलने नहीं देते। पता नहीं कौन है वो कमेटी का चेयरमैन, उसमें मेरे ख्याल वो भी कभी एनसीसी में नहीं गया होगा। ऐसे लोग हैं जो बैठा देते हैं वहाँ और समझते हो कि हमारी हिंदुस्तान की सुरक्षा ये करेंगे। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि यहाँ तक हमारी पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी पहुँच गई है। भगवान के लिए
देश का सोचो और हमारी फौजों का सोचो, यही मैं कह सकता हूँ, और नहीं मैं कुछ कह सकता। लेकिन ये बातें नहीं होनी चाहिए उस